सो हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है वो मैं आपको ब्लॉग के साथ में बताऊंगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ कहाँ, टोल पर। मतलब आपने देखे होगा टोल वगैरह क्या होता है। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आप सभी के लिए भी स्पेशल होता है। और जैसे कि आप कभी बाहर रहते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, जो अभी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा उस काम से या उस जगह या उन लोगों से मिलकर ना बहुत खुशी मिलती है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ और उसके लिए आपको प्रॉपर ब्लॉग देखना होगा। तो मैं भी अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए रुका हुआ था। तो अभी हम दिखाते हैं कि इस ब्लॉग में हम क्या कर सकते हैं। और एक्चुअली खुले हुए तो नहीं होंगे, मैं कुछ दिलवा सकता हूँ आपको खाने पीने का। क्या चाय? तो एक्चुअली ये चाय के लिए कह दी आंटी, एक चाय ने भी दे, एक मेरे लिए अकेले, तो आप ले लो उनसे। तो एक्चुअली ये कोई थी, एक्चुअली मेरे पास में चेंज नहीं थे तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई चेंज तो है नहीं मेरे पास में, तो मैं उनको चाय पिला सकता हूँ। तो मैंने उनको बोल दिया है कि आप चाय पी लीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं पीने वाला हूँ चाय, वो जो सामने आप देख रहे हो ये बना रही है चाय। ये है आपका टोल टैक्स। काफ़ी क्राउड है यहाँ पे क्योंकि ये जो भी आप बड़े बड़े वाहन देखते हो लाइक ट्रक वगैरह या कंटेनर, वो मोस्टली यहाँ पे स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिल जाता है उनको खड़े होने के लिए। बाकी तो आप देखोगे रोड पे या कहीं और आपको लोग खड़े नहीं होने देते, लाइक पुलिस वाले या म्यूनसिपलिटी वाले खड़े नहीं होते। तो इनका ये मेनली मतलब एक कह सकते हैं ठिकाना होता है, अगर किसी को कभी कहीं आना जाना हो दूर के सफ़र में तो आप इन लोगों से कोऑर्डिनेट करके आ जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग रूट में आने जाने का काम करते हैं। और ये हमारी धन्नो खड़ी है क्योंकि एक्चुअली बाइक हो तो ज़्यादा ठीक कंफर्टेबल होता है कि आप कहीं भी रुक लो, आप कुछ भी खा लो पी लो, आपको जितना टाइम रेस्ट करना है आप कर सकते हो। तो अभी हम पीते हैं चाय, उसके बाद में हम इन्होंने ले ली है चाय, अभी मैं लेने वाला हूँ। सामने आंटी है चाय वाली और ये हो रही हमारी चाय। तो अब हम पियेंगे चाय, अगर आपको पीनी हो तो आप मेरे साथ में पी सकते हो। और देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है चाय, बाकी अभी देखते हैं कैसी होती है। चाय तो बहुत कड़क है बॉस, जैसे आंटी कड़क है ना वो चाय बनाने वाली, वैसे उन्हीं की तरह उनकी चाय भी बहुत कड़क है। और अब चाय को मैं करता हूँ फिनिश, उसके बाद में हम चलते हैं। मैं जिस चीज़ के लिए बोल रहा था ना, बाबू लोग यहाँ भी इनका चालान काटने लगे, मतलब कहीं नहीं छोड़ेंगे भाई। पैसा मांगता है अरे बाबा इनको, कहीं से भी आए, मतलब गरीब लोगों को ना यार ऐसे करना ठीक बात है। तो बंदा यहाँ पर रुका हुआ है कि थोड़ा खाने पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और ये लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तो सही बात है। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं कहाँ, अभी मैं पहुंच चुका हूं घर। तो बस बहुत खुशी हो रही है घर पे आके और काफ़ी अच्छा लगा मम्मी से मिलके एंड ऑल। तो अभी इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा तो खास है नहीं, तो हम इस ब्लॉग को छोटा ही रखेंगे क्योंकि एक्चुअली कुछ ऐसा एंटरटेन हुआ नहीं बीच में। तो अभी हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं
कल कुछ अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, देखता हूँ मैं, अगर गांव गया तो गांव का ब्लॉग बनाऊंगा या फिर जो भी होगा तो अगले ब्लॉग कुछ अच्छा आएगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। अभी आप प्यार बनाए रखें अपना, हैप्पी दिवाली। मैं भी अपने घर आया हूँ, आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हो, ब्लॉग देख रहे हो, तो अपने अपने घर आ जाओ। सी यू टू नो। अरे बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सून न्यू ब्लॉग के साथ में, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।